नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। मेरा नाम है आकाश साक्षी। दोस्तों, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से पूरे देश की लैब पर नज़र रखी जा रही है। यहां से रिपोर्ट तैयार होकर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी जा रही है। और इसी बीच दोस्तों, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारतीय प्रमुख हैंक बैगडैम ICMR कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में ICMR के पास काफ़ी बढ़िया रिसर्च का साधन है। ICMR की वजह से वायरस का पता लगाने और उस पर ग्लोबली काम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। भारत भी विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एक बैठक के बाद उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत की मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदम की जमकर तारीफ की। दोस्तों, उन्होंने कहा, भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रतिबद्धता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। ये एक कारण है कि भारत कोरोना वायरस को लेकर अभी भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। मैं बहुत प्रभावित हूं कि सभी संक्रमित लोगों को इकट्ठा कर लिया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के अंदर काम कैसे हो रहा है वो भी जानिए। ICMR की बिल्डिंग में स्थित वॉर रूम में 3 शिफ्ट में काम चल रहा है। 15 विशेषज्ञों की टीम, जिसमें डॉक्टर, वैज्ञानिक और तकनीकी मामलों से जुड़े लोग हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। देश में इस वक्त कुल 62 लैब ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस का टेस्ट हो रहा है। इन लैबों में किस तरह के साधन उपलब्ध है और कौन कौन से साधनों की जरूरत है, इसे लेकर वॉर रूम में तुरंत जानकारी दी जाती है। किसी भी लैब के बुनियादी व्यवस्था से लेकर दवाइयों की उपलब्धता तक की जानकारी वॉर रूम को मिलती है। देश के कई लैब ऐसे भी हैं जो काफ़ी दूर दराज इलाकों में हैं। इसके मद्देनज़र हर सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है, जिससे कि तमाम लैब की रिपोर्ट इकट्ठा की जा सके। दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को कोरोना वायरस के मसले पर संबोधित किया और मीडिया की भी तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि मीडिया के बड़े तबके ने कोरोना वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन राज्यों में हम विपक्ष में हैं, वहां पर 15 अप्रैल तक कोई आंदोलन ना करें, अगर जरूरी है तो ज्ञापन ही दें। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि संसद का बजट सत्र जारी रहेगा और 3 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि दोस्तों, पीएम ने सभी सांसदों से अपील की कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएं और लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दें। बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लोगों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए सुझाव देने की बात कही थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए साझा प्रयास की जरूरत बताते हुए सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि सार्क देशों में दुनिया की पूरी आबादी का 5वां हिस्सा रहता है और विकासशील होने के कारण सभी देश स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में चुनौतियों से जूझ रहे हैं। पीएम मोदी ने COVID-19 इमरजेंसी फंड बनाने के साथ ही कहा कि भारत के विशेषज्ञ डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, वो वैज्ञानिकों की टीम सार्क के देशों के कहने पर कहीं भी जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि एक हफ्ते के भीतर सार्क देशों में कोरोना वायरस से निपटने में जुटे विशेषज्ञों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें वे अपने अपने अनुभवों को साझा करने के साथ ही एक दूसरे की मदद करने योग्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहरहाल दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, फॉलो करें। आपने हमारा वीडियो यहां तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।